हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम टैली में किया गया काम और एक्सेल में किया गया काम को हम ऑफलाइन टूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके उसको जीएसटी पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑनलाइन वर्क विथ हेल्प ऑफ ऑफलाइन टूल। इनके लिए हम लोग अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं क्या करना है। आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है पहले, और क्या प्रोसेस होता है। पहले तो जो कस्टमर होता है अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देता है सर्विस, सर्विस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना पूरा डिटेल फिट करते हैं। ठीक है ना, और डिटेल फिट करने के बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशन, एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तुरंत जीएसटी नंबर नहीं मिलता है। एक चीज़ ख्याल रखना कि जीएसटी पोर्टल पर एक व्यापारी खुद को रजिस्टर करना चाहता है, पहले 20 लाख था, यानी एक साल में जिसका टर्न ओवर 20 लाख हो, उस व्यक्ति को जीएसटी पोर्टल पर जाके अपना खुद को रजिस्टर करना था। लेकिन अब क्या चेंज हो गया है, ये चेंज हो चुका है, 40 लाख रख दिया गया है कि एक व्यापारी की अगर जो एक साल में जो इनकम है, यानी एक साल का सॉरी इनकम नहीं, एक साल में जो ट्रेड करता है 40 लाख का, वही व्यापारी इस पोर्टल पर जा करके खुद को रजिस्टर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसके लिए एक अनिवार्य चीज़ है पैन कार्ड। पैन कार्ड होगा तभी ये एक्टिवेट हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, जब आप रजिस्टर कर लोगे ना तो आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उस रेफरेंस नंबर से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखो नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे वहीं पे मिलेगा डाउनलोड ऑप्शन। हमें क्या करना है, ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करना है। हम फॉर्म को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम में। डाउनलोड पर जाएंगे, यहाँ पर ऑफलाइन टूल लिखा होगा, रिटर्न ऑफलाइन टूल, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे नए नए। ठीक है ना, अलग अलग उनको क्लिक करके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक डाउनलोड होगा फोल्डर आपके लैपटॉप में ये आपके सिस्टम में, ये जिप फाइल के अंतर्गत रहेगा। और जब इसको इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पर दिखेगा। ठीक है, जीएसटी ऑफलाइन टूल के नाम से। इसके बाद यहाँ पर जिसको ओपन करोगे, इस वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा होगा कि जीएसटी रिटर्न वन कौन सा आपको क्या करना है। ठीक है, जीएसटी ईयर वन लगाना है, ईयर टू या थ्री जो भी यूज़ करना है वो करोगे। और जीएसटी आईएन किसका सप्लायर का रहेगा यहाँ पे, और फाइनेंशियल ईयर जो आप सेट कर लोगे जो आपके पास होगा 17, 18, 19, और टैक्स पीरियड किस मंथ का है वो लगाओगे, और पिछले साल का आपका टर्नओवर कितना रहा, और इस साल अभी जो आप कर रहे हो इस मंथ का वो कौन सा कितना रहा। ठीक है, यानी ये जो होता है बैक टाइम का होता है। ठीक है, बैक टाइम का टर्नओवर, और ये प्रेजेंट टाइप में जो आप जिसका जिस महीने करने जा रहे हो वो रहेगा। यहाँ पे प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपका जीएसटी ईयर वन और सप्लायर का ये डिटेल दिखेगा, जीएसटी नंबर और डेट। ठीक है, अब यहाँ पे दिखेगा इम्पोर्ट फाइल और डिलीट फाइल, व्यू समरी। इम्पोर्ट फाइल से क्या होगा, हम एक्सेल में काम किए अगर कोई काम किया गया है तो उसको हम इंसर्ट करके कर सकते हैं काम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो वर्क दिया गया है वो समझ लो, थोड़ा सा सेलेक्ट ऑप्शन सेक्शन देता है तो यहीं पे लिखा होता है B2B इनवाइस। ठीक है, 4A, 4B, 4C ये सब क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस टूल में बना होता है जीएसटी नंबर, इनवाइस, डेट, इनवाइस वैल्यू, प्लेस सप्लाई। ठीक है, ये पूरा पूरा ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख करके भी अपना टर्न ओवर सेट कर सकते हो, यानी अपने डिटेल्स को सेट कर सकते हो आइटम वगैरह को, फिर इसको ओके कर दोगे एक्शन को। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिखेगा क्या, आपका जो डेटा होगा वो इस तरीके से दिखाना चाहते हो। यहाँ पर ये देखो आइटम है कि जो रेट लगाया गया कि कौन सा रेट सेट करो, बाय डिफॉल्ट इसमें बना हुआ है। और टोटल टैक्स अमाउंट वैल्यू दिखेगी यहाँ पे, सेंट्रल वाला, स्टेट वाला और सेस। अतिरिक्त कुछ लगाया है तो वो यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा, या तो दो तरीका है कि आप डायरेक्टली फिट करके भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या होता है कि इंपोर्ट कर लोगे फाइल को। जैसे यहाँ पे क्या करना है, हमें V2P इनवॉइस को हमें इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ यू मेक सीरीज इन एक्सेल फाइल देन यू कैन अपलोड, यानी आपने बहुत सारा काम किया है, यानी B2B, B2C, B2CL, ठीक है, ये सब एक साथ किया है तो उसका फाइल आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो।
और दूसरा कह रहा है कि इफ़ यू आर मेंशन पर्टिकुलर देन सेलेक्ट सेक्शन वाइज, आप सेक्शन वाइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सेल फाइल भी कर सकते हो और सेक्शन वाइज डिटेल भी फिट कर सकते हो। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका अगर मान लो अपने काम के एक्सेल में, तो एक्सेल वाला जो डेटा होगा वो इस कदर दिखेगा। आप एक्सेल में अपने बना सकते हो, ठीक है, एक्सेल में अपने डेटा को बना लेना। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन पूरा दिया है कि ये क्या है, B2B का रिपोर्ट है, ये B2CL का रिपोर्ट है, ये B2CS का है, CDNR का रिपोर्ट है। ये आप डायरेक्टली ये फाइल बना कर रखे हो, इसको भी सेलेक्ट पूरा अपलोड कर सकते हो, या चाहते हो कि केवल मैं B2B का अपलोड करना चाहता हूँ तो B2B को सेलेक्ट करोगे पूरा एरिया, सॉरी यहाँ पे ना इस एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करोगे, पूरा पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करके सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट एक देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहो तो अपने एक्सेल फाइल पे सेम ऐसा ही फॉर्मेट बनाओ और इस फाइल को आप अपलोड करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ B2CS के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसका फॉर्मेट आप एकदम सेम से बनाना, क्योंकि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा ही फॉर्मेट जैसा कि ऑफलाइन टूल में फॉर्मेट बना हुआ है, अगर उन फॉर्मेट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ ये डेटा वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये B2C के लिए है और ये किसके लिए, B2CS के लिए भी। तो आप जिसमें जितना अमाउंट, सॉरी जिसमें जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है, ओके। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था पार्टिकुलर के बारे में, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल दिख जाएगा कि B2B किसको अपलोड कर रहे हो DST पोर्टल पे आप, ठीक है, B2CS का, या इसमें से जो भी अपलोड करना है क्लिक करके अपलोड करते हो। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है सिलेक्शन वाइज पार्टिकुलर मेंशन देन सिलेक्शन सेक्शन वाइज एंड क्लिक कॉपी एक्सेल। यहाँ बोला गया है कि अगर आप पार्टिकुलर चाहते हो अलग अलग, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे दिया CSV फाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सेल फाइल भी, तो हमें एक्सेल फाइल पर क्लिक करनी है, ठीक है। और जैसे हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देगा, पूछ रहा कि क्लिक हेयर एंड पेस्ट करिए, अगर आपने एक्सेल वाला डेटा को कॉपी कर लिया, जैसे कि ये डेटा है मान लीजिए, आपने इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और जैसे ओके करोगे ना, अगर आपका फॉर्मेट थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक बात ख्याल रखिएगा, फॉर्मेट जो रिक्वायरमेंट वही रखोगे, ठीक है। लिखा है ओपन एक्सेल फाइल एंड सेलेक्ट डेटा एंड कॉपी आफ्टर पेस्ट हेयर, फिर यहाँ पे व्यू समरी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये डेटा यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि वहाँ पे डेटा था ये वाला, देख सकते हो यहाँ पे, ये इसमें टोटल एंट्रीज है कितने, 12, ठीक है। तो वो डेटा जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, आपको दिख रहा 12, योर एक्सेल सेलेक्टेड डेटा शो हियर। अब जनरेट फाइल जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा दिख जाएगा और इसको क्या करना है, व्यू समरी पे क्लिक करोगे, ये पूरा पूरा डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे जनरेट फाइल लिखा होगा, क्लिक करिएगा। जनरेट फाइल जैसे करोगे तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, फाइल क्लिक करोगे यहाँ पे तो एक फाइल दिखेगा आपको इस टाइप का, पूछेगा कि इस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और ये फाइल जो सेव होता है वो उसका फॉर्मेट होता है JSON, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका नाम दिया गया है, पूछ रहा कि जो आप बनाए हो डेटा क्या उसको सेव करना चाहते हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर एंड सेव इन योर कंप्यूटर, हम JSTR1 के नाम से सेव कर लेते हैं। ये JSTR 1, 2, 3, 4 क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा। जैसे हम सेव करेंगे तो ये ऐसा लोकेशन दिखेगा, तो यहाँ पे लिखा है इसका जो फॉर्मेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है JSON, ठीक है। तो ये JSON के फॉर्मेट में सेव हो रहा है, लिखा है प्लीज़ लॉग इन योर यूज़र ID एंड अपलोड दिस फाइल। अब यहाँ पे क्या करो, जो व्यापारी होगा वो व्यापारी अपना यहाँ पर यूज़र नेम देगा और पासवर्ड देगा, यहाँ पर लॉग इन करेगा, ठीक है। और अब जो व्यापारी होगा वो अपना लॉग इन ID लगाएगा, पासवर्ड लगाएगा, ये जो फाइल बन चुका है ऑफलाइन टूल से वही GST पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा वीडियो का इन, अगर ये सेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।